Good morning, dear friends. Welcome once again for the physics lecture. So, friends, yesterday we have seen gravitational force, Newton's law of gravitation, and gravitational force in magnitude and direction. And then we have studied the properties of gravitational force, and then we have studied constant of gravitation. What is its value? What are its dimensions? Everything we have studied yesterday. So today we will start with yesterday's problems which I have given you. Of course, I am not going to solve those same problems because you have to do them. But again, some similar problems I will be taking. And you are knowing that you are provided with your modules. So whatever the modules are provided, you have to go through. Sometimes it may happen that some point may be up and down. That may happen because my teaching style is different, others teaching style may be different. Due to that, the point may be one by one up or down. But all content will be there. Whatever I am teaching, that all will be there in the modules. So today, once again we will continue with some important problems which are there for the gravitational force. We will try to find the gravitational force. So yesterday we have discussed the problem for the point masses, say masses M kept at the vertices of the equilateral triangle. So once again today I will take one more problem to understand how to solve such type of problem. So problem mein likh deta hu beta board pe, theek se practice of calculating F net. So this will be the just practice for calculating F net. उसके बाद में हम आगे जाएंगे. एक प्रॉब्लम मैं अभी ले लूँगा, उसको देख के आपको जो होमवर्क दिया है उसमें से आप चेक करो आपने वही किया है या नहीं किया. ऑफकोर्स बहुत जनों ने ऑलरेडी किया होगा. So that's not a big issue. So suppose आपको तीन पार्टिकल दिया है, कल जैसा दिखा था वैसा ही. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, देयर इज वन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द कॉर्नर ऑफ व्हिच सपोज देयर आर थ्री मासेस 1 kg, 2 kg एंड 3 kg एंड डिस्टेंस इज 2 meter, 2 meter, 2 meter. सो थ्री मासेस of 1 kg, 2 kg and 3 kg are kept at the vertices of equilateral triangle of side 2 meter. Itna hai side 2 meter. So calculate force on each mass. So question kya hua? Calculate force on each mass. Calculate force on each mass. इसको बोलते A, इसको बोलते B, इसको बोलते C. तो अपन को फोर्स ऑन ईच मास कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सोल्यूशन लिख देते हैं. सोल्यूशन आई विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन. तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा? यहाँ पे आपको यूज करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया नंबर वन फॉर मास एट ए. ए पॉइंट पर जो मास है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो पहले करेंगे. तो पहले जान लो क्या होता है. ए पॉइंट को जो मास है वो कितना है? 3 kg का है. और यहां से ये बी पॉइंट का मास उसको अट्रैक्ट करेगा. सो यह आएगा वन फोर्स एफ ऑन ए बाय बी. आई होप आपको दिख रहा होगा. यस करेक्ट. सेकंड में यहां पे दूसरा आएगा. ये जो दूसरा मास है
एफ ऑन ए बाई सी, ये हो जाएगा आपका एफ ए सी। तो यहां पे कितना बन गया एफ ए बी और एफ ए सी, और बाद में ये एंगल कितना है आपका इक्विलेटरल वेक्टर बनकर 60। ये दो वेक्टर बन गए एफ ए बी और एफ ए सी, ये दो वेक्टर बन गए अपने, और उनका रिजल्टेंट निकल रहा है एफ ए बी प्लस एफ ए सी। सो एफ नेट कितना होता है बेटा, ऑफकोर्स वेक्टर में एफ ए बी प्लस एफ ए सी। तो यहां पे ये बन जाएगा, ये अगर एफ ए बी है ये 60 है तो बीचों बीच हम पहले तक है, नहीं तो हमारा ट्रायंगल लॉ है उसका यूज करके वी कैन डायरेक्टली डू दैट। सो यू विल गो फॉर डूइंग दैट। सो यहां से मैंने स्टार्ट किया, अभी हम जाते हैं एफ नेट। तो एफ नेट कैसा बन जाएगा, अंडर रूट एफ ए डी स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एफ ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी एफ ए सी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये तो आपको समझ में है, ये तो पूरी बात समझ में है, इज देयर एनी डाउट? इफ इट इज देयर यू मे आस्क। तो ये तो हो गया, तो अभी क्या करना है, सिंगल सिंगल अपन को क्या क्या करना है, एफ ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एफ ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो नंबर वन यहां पे एफ ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, एफ ए बी मैग्नीट्यूड माइनस माइनस साइन अभी लिखने का जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव है वो सब हमने लिखा था, सो डोंट वरी अबाउट दैट मच मोर। जी एम वन एम टू अपॉन पास किया, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा, देखो जी एम वन, एम वन कितना है अभी ए बी, ए का कितना है 3, बी का 1, सो 3 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर, सो ये कितना बन गया 3g/4 न्यूटन, ये बन गया एफ ए बी का मैग्नीट्यूड। और जाकर अभी एफ ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, एफ ए सी कितना है मैग्नीट्यूड, आई होप आपको दिख रहा है, यस नो प्रॉब्लम, एफ ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, एफ ए सी कितना आएगा, वैसे ही यही फॉर्मूला जी एम वन इंटू वन का स्क्वायर, तो जी एम वन तो उतना ही रहेगा 3, एम टू बन जाएगा 2 अपॉन आर स्क्वायर अगेन 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6g/4, मतलब ये कितना बन गया 6g/4 मतलब 3g/2 न्यूटन। तो अपन को मिल गया एफ ए बी भी मिल गया, एफ ए सी भी मिल गया, अगर अपन को मिल गया एफ ए बी और एफ ए सी, अपन को मिल गया एफ ए बी और एफ ए सी, ये बन जाएगा आपका एफ ए बी 3g/4 न्यूटन, ये बन जाएगा 3g/2 न्यूटन। तो अभी कुछ नहीं करना है इसका वैल्यू, तो अगर आपने देखा तो ये 3g/4 न्यूटन है, ये 3g/2 न्यूटन है, तो अगर इसमें मैंने g का वैल्यू डाल दिया तो उसको वैल्यू मिल सकता है, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक सो कि g का वैल्यू अभी डालना चाहिए, इसको आप 3/4 g बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं 3/2 g बराबर। तो ये अगर f a b को मैंने f मान दिया तो ये 3/4 है और ये 3/2 है, तो वैसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ये वैल्यू इधर डाल देता एफ ए बी को, ये वैल्यू इधर डाल देता, जहां जहां एफ ए बी एफ ए सी दिख रहा है इधर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करने का उसका, इधर अगर ऐसे ही है तो ऐसा ही डाल के कॉस 60 का वैल्यू करो तो आपको मालूम है। तो साइन कॉस टैन ये हमने दिखा है 0, 30, 45, 60 and 90 साइन थीटा कॉस थीटा आपको मालूम होगा, मैंने आपको टेबल दिया है तो वो वैल्यू आप लिख सकते हैं, कितना था साइन 0, 0 1/2 √3/2 and 1, तो
कॉस का उल्टा हो जाएगा 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 हाफ एंड 0। तो अभी कॉस 60 का कितना आ गया 1 हाफ आ गया। तो यहाँ पे हाफ कर सकते हो, यहाँ पे 3g बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे 3g बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 3g बाय 4 3g बाय 2 इंटू 1 बाय 2। तो अगर आपने किया तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आई विल एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 बाय 4 का स्क्वायर 9/16 प्लस 9/16 बराबर प्लस 2 इंटू 3 जा 9 4 टू जा 8 टू जा 16। तो यहाँ पे 9/16 ये हो गया प्लस और ये 2 हो गया 2 इंटू 9/16 बराबर। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 9/16। सो 3 इंटू 9/16 तो 9/16 का रूट आएगा 3/4 और रूट 3 वैसे ही देख सकते हो, तो 3√3/4 न्यूटन इतना आंसर है। वो फोर्स किस पे बनेगा, ए पे बनेगा। डिरेक्शन कैसे होगा, तो डिरेक्शन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फोर्स उस रिजल्टेंट के ऐसा ही बीचों बीच आएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये दो फोर्स ये दो मास सेम नहीं है। अगर ये दो मास सेम होते तो बीचों बीच आता, ऐसा आ सकता है ऐसा आ सकता है, डाउनवर्ड आएगा डिरेक्शन आएगा डाउनवर्ड। उसको आप आई कैप जे कैप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फोर्स एट ईच पॉइंट। तो अभी आपका काम क्या है, फोर्स एट बी को निकालो, फोर्स एट सी को निकालो, ऐसे ही करते हैं। फोर्स एट बी लिया तो यहाँ पे फोर्स आएगा ऐसा, यहाँ पे फोर्स आएगा ऑन बी बाय सी ऑन बी बाय ए। सो ये बन गया एफ बी ए, ये बन गया एफ बी सी। तो दोनों का ऐसे ही डायग्राम बनाते आपको भी ये दोनों के बीच में कितना फोर्स है कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, खाली सी के लिए करना पड़ेगा। ए बी के लिए तो ऑलरेडी मैंने किया है, वही आएगा बी ए। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि फोर्स ऑन 1/2 इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज फोर्स ऑन 2/1। 1 को 2 जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से 2 को 1 भी अट्रैक्ट करेगा। ओनली द थिंग इज दैट देयर डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब अभी F ऑन A बाय B इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा, तो आपका F ऑन B बाय A इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। वैसे फोर्स ऑन C बाय B, तो C को इस वाला ये उल्टा दिया है, फोर्स ऑन A बाय B A को अट्रैक्ट करेगा B और B को A अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे। वैसे भी फोर्स ऑन सी बाय बी सी को बी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन बी बाय सी तो बी को सी अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों भी फोर्स सेम रहेंगे लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर अलोंग द सेम लाइन। कल जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स डिस्कस किया सेंट्रल इन नेचर, दे मतलब वो जो सेंटर है दो पार्टिकल के उनको जॉइन करने का काम फोर्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी रिपीट, द फोर्स ऑन ए by B will be same as force on B by A, only directions will be opposite. Force on A by C will be same as force on C by A, directions will be opposite. And force on B by C will be same as force on C by B, only the directions will be opposite. तो ऐसे आप सब forces calculate कर सकते हो। जो आपको point मिला है उस point को छोड़ के दो जो point है उधर जो masses है वो कितना force देते हैं उसका अपने डायग्राम बनाओ, कागज पे बनाओ, और ऐसा ही सेकंड और थर्ड आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल डू एवरीथिंग एंड गेट द आंसर। सो दैट वाज अ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन मॉड्यूल, आल्सो यू मे गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सेम लाइक दिस यू मे सॉल्व। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। अभी तो आपको मैंने ऐसा ही दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिया, स्क्वायर का भी कर दिया, अभी कॉर्नर पे दिया तो ठीक है, कॉर्नर पे दिया तो आपको क्या करना है, बाकी के रिमेनिंग मासेस है
उनका कितना फोर्स बनता है, दैट यू हैव टू फाइंड। मतलब ट्रायंगल है और उसके किसी भी एक कॉर्नर को दिया, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, कौन सा भी है, किसी भी एक कॉर्नर को दिया, तो बाकी दो कॉर्नर को जो मासेस है वो कितना फोर्स दे रहे हैं वो पता किया आपने, अगर देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट। स्क्वायर है तो बाकी तीन फाइंड करना पड़ेगा, तो स्क्वायर का भी फाइंड आउट करने के लिए आपको एक हिंट देता हूँ, आप उसका सॉल्यूशन तैयार। तो अभी स्क्वायर के लिए प्रॉब्लम नंबर टू, अभी स्क्वायर के लिए लेते हैं, सेम एक स्क्वायर बनाते हैं, कर दिया है मैंने होमवर्क के लिए, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जिन लोगों को कल का होमवर्क नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं समझा है, तो वो ये देख के उसको कर सकते हैं। और ये भी प्रॉब्लम, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम बढ़ गया है, इसको ए बोल सकता हूँ, इसको बी सी और डी। तो क्वेश्चन क्या सेम, लेकिन इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं क्या एक्यूरेट एफनेट। हाँ, आपकी प्रॉब्लम जब आपको आएगा तो एफनेट नहीं बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, ऐसा वो बोलेंगे। अभी अपन को मालूम है, इसलिए मैं जस्ट एफनेट लिख रहा हूँ। एफनेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स एट ईच कॉर्नर, और सेकंड कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एफनेट एट द सेंटर। सेंटर पे भी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना देखते हैं। पहले तो कितने फोर्स थे, दो फोर्स थे, क्योंकि तीसरा पॉइंट था उसके ऊपर दो अलग अलग पॉइंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे। राइट नाउ आई विल बी हैविंग फोर पॉइंट, आउट ऑफ दैट कॉर्नर अगर मैंने पकड़ लिया, अगर ए बी सी डी, तो कॉर्नर के पॉइंट पे रिमेनिंग थ्री पॉइंट मिलके क्या फोर्स डाले वो निकालना, गेटिंग द पॉइंट। ठीक, तो वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। तो अगर मैंने देखा तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ, ऑफकोर्स इन बिटवीन आज भूल गया बोलने के लिए, पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स व्हाट एवर वी आर सॉल्विंग। और मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तब आप थोड़ा उसको देखो क्या करना होगा। अभी अभी मैंने लिखा है बोर्ड पे, तो इसको पॉज करके आप खुद ट्राई करो रफ पेज पे, बाद में आपका होने के बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करो और देखो जो मैंने सॉल्व किया है, मतलब आपने, वो सर के साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इफ यू विल गो विद दिस देन योर प्रैक्टिस विल बी देयर एंड यू विल अंडरस्टैंड इन मोर ग्रेट वे। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो पहले आप ट्राई करो पॉज करके, हाँ, बात हो जाने के बाद वीडियो को देखो, नहीं तो वीडियो देखते रहेंगे सब नोटबुक में नोट डाउन करते रहोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, बाद में फिर से आपको समझने के लिए दिक्कत आ सकता है। तो अपने अपने से ट्राई, तो ठीक है, मैं ऐसा जस्ट आई थिंक दैट यू हैव पॉज दैट यू हैव सॉल्व यूर आंसर एंड नाउ वी विल एक्चुअली सी द सॉल्यूशन। थोड़ी यहाँ पे सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं, यहाँ पे है चार, तो मैं पहली केस देखता हूँ। हाँ, इधर मास भी देना पड़ेगा ना, एक मिनट, ओ ओ मास पे यहाँ पे 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, ठीक है जी। अभी आप देखो, अभी पॉज करके सॉल्व करो फिर से, हो गया बेटा ठीक। बीच बीच में आपको ऐसे दिखेगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप बीच में पॉज कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। जो कंटिन्यूस देख रहा होगा उसको समझेगा नहीं, अरे बीच में सर क्या हुआ, जो पॉज करके देखेगा उसको वो कंटिन्यूटी में आए। ठीक है, चलो सो अभी फोर्स, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट ए, तो मैं आपको ए का बता देता हूँ और बाद में सेंटर का बता। अभी ए के लिए क्या बन जाएगा, ए का जो पार्टिकल है कितने मास का है, 1 kg का है ना। यहाँ पे ऊपर डी है, डी है 2 meter पे है, ये 2 meter पे है, ये 2 meter पे, ये 2 meter पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 square plus 2 square,
4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 का रूट निकाला, इसका वैल्यू है आपको मालूम है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप कर सकते हो। तो ये आएगा कितना आएगा, 2 रूट को आएगा, 8 ना 4 बुझा है, 4 का रूट निकालना है, 2 रूट को आएगा। तो ये डिस्टेंस आप ध्यान में रखो, ये आएगा आपका 2 रूट 2, ये बाद में लिखा मैंने, पहले नहीं लिखा। तो ठीक है, यहाँ पे आएगा F on A by D, वैसे ही यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर F on A by B, और तीसरा फोर्स आएगा ऐसे आएगा, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा ना, ये उसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, उसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आएगा F on A by C, ऐसे तीन फोर्स आएगा। और आपको F net कैसे निकालना पड़ेगा, तो F net आएगा मेरे बेटा, F net कितना हो जाएगा, F net ऑफ कोर्स वेक्टर विद वेक्टर एडिशन ऑफ F AD प्लस F AB प्लस F AC, तो ये बन गया मेरा F net। तो अभी F net कैसे निकालें, इसके लिए आपको हिंट देता हूं, क्या करने का, ये हो गया 90 स्क्वायर है ना, ये 90 बन गया, तो ये बन जाएगा 45। तो इसको आप दोनों तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, F AD वैसे ही रखो और F AC का F AC को यहां पे डालो, बराबर, मतलब F AC cos 45 यहां पे ऐड करेगा, बराबर, नहीं तो F AD को यहां पे डालो, तो उसका फोर्स कितना है ना, F AD cos 45, F AB को यहां पे डालो, F AB cos 45 वो हो जाएगा, नहीं तो अलग से एक है, पहले इसको मत पकड़ो, F AD को ले लो, F AB को ले लो, जैसे मैंने फिर से किया था F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 90, तो cos 90 जीरो आता है, तो वो जीरो आएगा, खाली आएगा F1 square plus F2 square, मतलब F AD square plus F AB square root of that, वो बन जाएगा आपका पहले वाला मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन कहाँ बन जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स क्या है, देखो ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये F AD है और F AB, क्या मैं उसको सेम बोल सकता हूँ, यस, तो F AD इज इक्वल टू F AB लाइनिंग ऑफ कोर्स आर नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग है, वो बन जाएगा सपोज F, तो ये बन गया F, ये बन गया F, रूट टू F बन गया, तो रूट टू F उसका मैग्नीट्यूड बनेगा, और डायरेक्शन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो रूट टू ए प्लस इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अलोंग एसी उसका डायरेक्शन बन जाएगा, अलोंग एसी उसका डायरेक्शन बन जाएगा। लेट मी रिपीट, मैंने तीन फोर्स दिया है, ऑन ए बाय डी, ऑन ए बाय बी और ऑन ए बाय सी, तीनों में अट्रैक्टिव है, ऑफकोर्स रिपल्स आने का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेगा, उनका वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन तीन है, तीन करने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, एफ ए डी और एफ ए बी को पहले ऐड करके लो, बाद में उसमें एफ ए सी मिला, तो आपको एफ नेट मिल जाएगा, डायरेक्शन तो मिल चुका है, इस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन तो मिल चुका है, इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ गए, ये आप कर सकते हो, आई होप यू विल डू दैट। अब बाकी कुछ नहीं, वैल्यू डालना है, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, एफ का फॉर्मूला मालूम है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो वो डालो, पुट दैट वैल्यू एंड गेट योर रिजल्ट, सेम थिंग यू कैन डू फॉर बी सी एंड डी। अगर किसी को नहीं समझा है तो पहले सॉल्व करके मुझे दिखाओ व्हाट्सएप पे, नहीं तो डाउट सेशन में आप उसको मेरे को पूछ सकते हो, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, एंड वी विल गो फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स एट सेंटर। अभी सेंटर में कैसे निकालना है वो करते, बिफोर दैट आई विल suggest you pause the video and write everything. Okay बेटा, तो ठीक है, अभी हम जाते हैं आगे आगे वाली चीज के लिए, फोर साइड सेंटर कैसे बनेगा, एकदम इजी, सेंटर को तो मेरे को मींस आई डोंट थिंक सो आपको बोलना पड़ेगा, आप ही बताओगे सेंटर में कितना है, फोर्स एट सेंटर,
चार पॉइंट है स्क्वायर में, 1 kg के मास है, चारों भी 1 kg के हैं। तो अगर मैंने सेंटर ले लिया, अगर मैंने सेंटर ले लिया, फिर से करना है एग्जाम्पल 15। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका एग्जरसाइज होमवर्क। होमवर्क आपका ये है, ऑफकोर्स वीडियो को ये करो, बैक करो और इसको पॉज करके इसको लिख के बोलना भूल गया।
क्या करना है बेटा, आपको करना है होमवर्क मॉड्यूल पेज नंबर 4 प्रैक्टिस द सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस द सॉल्व प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल 5 to एग्जाम्पल 15 स्कीम एग्जाम्पल 9 I will explain that. वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तो ये आपको लिखना है, आपका होमवर्क क्या है मॉड्यूल से पेज नंबर 4। तो पीडीएफ है उसमें, पहले पीडीएफ हाँ फर्स्ट पीडीएफ में आपको पेज नंबर 4 पे प्रैक्टिस करना है कौन सा सॉल्व प्रॉब्लम का, कौन सा है प्रॉब्लम नंबर 5 एग्जाम्पल बोलते हैं उसको, 2 प्रॉब्लम नंबर 15 10 प्रॉब्लम है उसमें से 9 एग्जाम्पल नंबर 9 आपको छोड़ देना है, तो आपका 9 प्रॉब्लम आपको दिए है सर, आपको सॉल्व करके देखना है आपकी अलग रफ में अभी सॉल्व किया तो चलेगा, नहीं तो आपने आपके बुक में भी सॉल्व किया लेकिन उसको कॉपी मत करो तो उसका मज़ा नहीं आएगा। अगर कॉपी करना है तो मत करो उसको, ऐसे बैठो तो कॉपी नहीं करो, उसको देख के सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो जब तक वो आपको नहीं आता। और यही अभी का फंडा है, जब तक मेरे को नहीं आता है मेरे को फिर से वो सॉल्व करके देखना है, अगर फिर से भी नहीं आता है तो फिर से उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं भी आता है तो सर को पूछना है, सर बताएंगे, मैंने अगर आपको बताया ये ऐसा ऐसा करो उसका मॉडल भी देखो ये ऐसा ऐसा करने का है एक बार सॉल्व करके मेरे को दिखाओ, बात खत्म। ओके अभी हम आगे जाते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट वाज देयर फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वाज कैलकुलेटिंग फोर्स एट एनी पॉइंट। तो कौन से भी पॉइंट पर फोर्स क्या है कैसा है ये आपको अगर पता करना है तो आप ठीक से उसको पता कर सकते हैं। कौन कौन सा आएगा, स्क्वायर आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, ये 3। सर्कल वगैरह आएगा तो क्या करने का है वो बाद में बताऊंगा क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रहता है तो वो आपको करना पड़ेगा, उसका मास पर यूनिट कितना आता है और उसको मिला के उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है वो अलग चीज़ है, वो अभी के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए इसको आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ओके नाउ विल गो फॉर, तो हमने अभी तक क्या सीखा है, अभी तक हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बराबर इसको मैंने पढ़ाया है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है, फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन, एफ मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ये भी सीखा है, बराबर जी ऐसा यूनिट देन डायमेंशन देन वैल्यू ये भी सीखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स वो भी हमने सीखा है, इतना पॉइंट अपना हो गया। अभी इसके आगे आप बोलोगे सर सब आप हमको बोल रहे हैं ऐसा है ऐसा है, तो अभी अपन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन अपन के लिए ग्रेविटेशन क्यों यूज करते हैं क्यों क्या आपको मालूम है, हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ, बराबर तो हमने अर्थ लिया तो अर्थ के लिए इसमें से कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, अर्थ के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट बात है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम उसको क्या बोलते हैं छोटा जी स्मॉल जी। तो अर्थ की कौन से भी सरफेस पे आप हो तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और हम क्या यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो यूज करते हैं, बराबर। ओके तो सपोज एक पार्टिकल
अर्थ के अर्थ से सपोज हाइट h पे यहां पे है, ओके दिस इज अर्थ, हाँ अर्थ का मास m लिखता हूं, और एक पार्टिकल स्मॉल m मास का एट हाइट h पे, तो अभी उस पार्टिकल का सेंटर और अर्थ का सेंटर इसमें डिस्टेंस कितना होगा, तो ये बन जाएगा h, ये बन जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, इसको लिखते हैं r, तो टोटल में ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा सो दैट विल बिकम सपोज से r, तो दो बॉडी के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है r स्मॉल, बराबर समझ गए, एक बॉडी है से 1-2 किलोमीटर 2 मीटर पे ऐसा रखा है बॉडी, सपोज ये पेन इसको ऐसे रखा, छोड़ दिया तो नीचे आएगा, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है, वो कैसे निकालना है अभी हम देखते हैं, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो फर्स्ट यू हैव टू डू, ओके तो यहाँ पे मैं लिख के नहीं देता हूँ, आप लिख सकते हो कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m, हाँ तो मैं लिख देता हूँ कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस, पार्टिकल का मास कितना है एम, हाइट कितना है एच अर्थ सरफेस, तो डिस्टेंस बिटवीन मास एंड अर्थ कितना आएगा, या आएगा स्मॉल आर विल इक्वल टू आर प्लस एच, ऑफकोर्स आपको क्या ध्यान रखना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ, बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ ये आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है r r plus h है तो बेटा देयरफॉर फोर्स ऑन m बाय अर्थ कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू g m m अपॉन r स्क्वायर, और उसी का आप लिख सकते हैं g m m अपॉन r प्लस h स्क्वायर बन गया, तो इतना उसके और अर्थ के बीच में फोर्स है, लेकिन वही फोर्स क्या एक्ट हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी, सो यहां पे उसको किससे इक्वेट करना है, फोर्स एक्टिव ऑन द पार्टिकल इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, एंड वेट ऑफ द बॉडी क्योंकि अपन को जी निकालना है तो वेट ऑफ द बॉडी वो भी एक फोर्स है और विल बी इक्वल टू एम जी, बराबर, तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, इसको बोलता हूँ मैं वन, इसको बोलता हूँ टू, तो क्या करते हैं इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग वन एंड टू क्या हो गया बेटा जी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एम ने एम को काटा बेटा तो जी कितना हो गया, जी मिल गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए बेटा, तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन बिकॉज इसके आगे में जाने वाला हूँ, तो पॉज करो इसको लिख, तो हो गया बच्चों, तो हमने देखा कि अगर बॉडी एट हाइट एच है जी का वैल्यू कितना आता है, जी का वैल्यू आता है कितना आता है जी एम अपॉन
r square. इसी को एक बोलते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट से. ये दोनों कहां पे आएगा? ये दोनों कहां पे आएगा? ये दोनों कहां पे आएगा? एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एंड height h from earth surface at height h from earth surface. Suppose अगर मैंने आपको पूछा कि बच्चों बताओ अभी if the body is not on earth surface not at height on earth surface होता तो for a body on earth surface. तो body अगर earth के surface पे है तो क्या बन जाएगा? H will become zero. And R कितना बन जाएगा? R plus zero मतलब मेरा R बन जाएगा capital R. तो ऐसे देखिएगा ये earth है और यहाँ पे body है तो distance कितना बन जाएगा? R बन जाएगा. तो उसमें मेरा G का value कितना आएगा? G is equal to Gm upon r square. तो ये दो वैल्यू आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन सा वैल्यू है? तो ये वैल्यू है और ये है. तो ये वेरिएशन ऑफ जी मैंने आपको रोटेशन में भी पढ़ाया था. मतलब ये पूरा नहीं पढ़ाया था लेकिन उसके वैल्यू वगैरह दिया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो ये आपको ठीक से ध्यान में रखना होगा. यू हैव टू कीप इन माइंड द वैल्यूज ऑफ जी ऑफ कोर्स एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच. और ये क्या बनेगा? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पे इसको हम जी एच भी बोल सकते क्योंकि आई हाइट एच और इसको बोलते हैं जी. तो ये हो गया अबाउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस. ये हो गया वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अपना तो जी जो है कितना आता है? जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच इज द हाइट एट विच द बॉडी इज देयर. और ये आएगा ऑन द सरफेस कितना है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस कितना आता है? वैल्यू ऑफ जी, जी कितना आता है? ऑन अर्थ सरफेस न्यूमेरिक वैल्यू आता है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका यूनिट कैसा आएगा? एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा, वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड जी का सीजीएस यूनिट, ये ऐसा यूनिट आएगा, सीजीएस यूनिट आएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये बन जाएगा इसका सीजीएस. ये बन गया जी वैल्यू का ऐसा यूनिट, ये बन गया उसका सीजीएस यूनिट. तो अभी तक हमने पढ़ा है कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अभी आप मेरे को पूछोगे ये क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि सब जगह हम बॉडी का वेट निकालते हैं. तो बॉडी का वेट निकालने के लिए व्हाइल फाइंडिंग आउट द वेट ऑफ द बॉडी वी हैव टू कीप इन माइंड द सिचुएशन ऑफ द बॉडी, पोजिशन ऑफ द बॉडी. बॉडी कहाँ प्लेस है? बॉडी अगर सरफेस पे है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम एम जी लिखते हैं, दैट आई नो. बट अगर बॉडी सरफेस पे नहीं है, किसी हाइट पे है, तो क्या हो सकता है? तो ये वैल्यू मैंने निकाला. ओके. लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो हर टाइम आपको यूज नहीं होता है. क्योंकि क्या होता है, अगर आप पहले इसको नोट डाउन करो, आई विल सजेस्ट यू. तो हो गया ठीक है. तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा आगे. I hope you have watched the video prior and you have noted.
लैम्डा अभी क्या होता है? अब फिर से हम एफ को लिख के लेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैसा है, फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अपना फोर्स भी उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ये बढ़ेगा कम होगा, ये बढ़ेगा ये कम, कौन बढ़ेगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। कौन कम होगा? फोर्स कम होगा। जितना बॉडी के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। ओके तो ऐसे भी एक पॉइंट आ सकता है ना, उस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस बढ़ गया कि ये मेरा फोर्स ही जीरो बन गया। ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता है, आइडियली बोल सकते, प्रैक्टिकली मतलब इनफाइनाइट, बहुत बड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू द मासेस। अगर मैंने ले लिया, नहीं तो एक मास को एकदम छोटा कर लो, एकदम छोटा, और वो एकदम 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 वेरी लॉन्ग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर उसको हमने लिया तो अर्थ एक मास बन जाएगा बड़ा वाला और वो एक छोटा वाला मास, ये कैपिटल है वो स्मॉल है, उसके बीच में भी डिस्टेंस आर इतना बढ़ गया कि मेरा फोर्स निग्लिजिबल बन गया। आर गेटिंग द पॉइंट? इसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी जो है, ये जो मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ जी, हर पोजिशन पे सेम नहीं आता है, हर पोजीशन पे सेम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर आप सर नहीं बताए जी एच लिखना है तो जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट्स पे, तो आर प्लस एच तो अपने पास है बराबर ना, है ना, आर प्लस एच आपके पास, एच का वैल्यू डालेंगे प्रकार डालेंगे ऐसे उसमें एवरेज होगा बराबर। आपको एक ही ख्याल रखना है, तो अगर मैंने ये हाइट बढ़ा दिया तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बराबर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा अपना जी भी कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, इसको मैं इधर आर बोल के रखता हूं, ऑन सरफेस। अरे क्या सरफेस, ऑन सरफेस जी लिखने का आदत पड़ गया ना, ऑन सरफेस जी का वैल्यू आएगा मैक्सिमम, या आपको दिया है इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इलेवन के नोटबुक में भी ये मैंने आपको दिया। एंड एज यू गो अप वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, समझ गए? सरफेस पे मैक्सिमम होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, एक एक बार आप नोट डाउन भी करते जा। पहला पॉइंट क्या, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आपने देखा जी डिक्रीजेस इफ वी गो फार फ्रॉम अर्थ सरफेस, जी डिक्रीजेस एज वी गो फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहां पे मैक्सिमम है फार
फार का मतलब दोनों भी बाजू पे नहीं का होंगे। अगर नीचे जाएंगे सर, अगर नीचे जाएंगे तो आर कम होते जाएगा, एज तो जीरो ही है, तो आर भी जीरो हो जाएगा सेंटर पे, तो वो इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं, जैसे ऊपर वैसे नीचे। तो पहला वैल्यू, पहला क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग इफ वी गो फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑन बोथ साइड। ओके, तो वैसे जैसे मैं ऊपर जाऊं मेरा जी का वैल्यू जीरो होता है, वैसे ही इफ आई विल गो डाउन साइड मतलब इन साइड द अर्थ, अर्थ में मैंने ड्रिल मशीन लगा दिया और नीचे 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 चलता चला जाए, एंड इफ आई विल रीच से आइडियली एट द सेंटर, तो आप बोलोगे सेंटर पे आर तो जीरो है, एच भी जीरो हो जाएगा और आपका जी का वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगा। नहीं, सेंटर पे भी जी का वैल्यू कितना आता है? जी इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर। तो यहां से भी और यहां से भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, तो उसी का आपको पता करना है, उसी का आपको पता करना है। तो वैसे ही ऊपर भी कौन सा भी पॉइंट आएगा, सपोज ऊपर भी कौन सा भी पॉइंट आएगा, ऊपर भी कौन सा भी पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को से मेरा जी का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो ऊपर भी डिक्रीज, नीचे भी डिक्रीज, मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस, तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस, जी डिक्रीजेस बोथ इफ वी गो फार मतलब अप और डाउन। जी इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर, ये बात आपको हरदम पता रखनी पड़ेगी। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि क्या है जी का वैल्यू कितना है, क्या होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो बेटा दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही हम ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, बराबर, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, ये आएगा वैल्यू ऑफ जी एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वैल्यू ऑफ जी एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, ये बेसिक, अभी इसके बाद में हम जाएंगे, ओके, वो भी देखेंगे। ओके, सो वी विल गो अहेड, तो अभी हम देखते हैं एक्चुअल में वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। सो आई विल सजेस्ट यू टू सी द मॉड्यूल। ओके, सो आप मॉड्यूल में देखो वेरिएशन, पेज नंबर आपका 5 या 6 या 7 हो जाए, वो मैं देखा नहीं था, यहाँ जस्ट मैंने ओपन करके रखा है आपको पेज नंबर बताने के लिए। तो अभी हम जाते हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, तो आपको बेसिक क्या पता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कहाँ है, ऑन सरफेस। ओके, जी डैश जी एच जी एम अपॉन आर प्लस एच दैट एट हाइट एच, तो आप पूछेंगे यही फॉर्मूला यूज करेंगे जी एच का, एट हाइट, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो चलेगा क्या, तो देखते हैं चलेगा। ओके, तो क्या होता है,
क्या होता है एक्चुअली, यहां पे आर है, यहां पे आर है और यहां पे आर प्लस एच है, ओके। तो अगर मैंने इसको वन पकड़ा, इसको टू पकड़ा और टू बाय वन किया, तो जी एच अपॉन जी कितना हो जाएगा, जी एच अपॉन जी कितना हो जाएगा, जी एच कितना है जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करते हैं आर स्क्वायर अपॉन जी एम, तो जी एम ने जी एम को काटा बराबर, जी एम ने जी एम को काटा, जी एच अपॉन जी कितना हो गया आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो जी बाई जी कितना हो जाएगा, जी बाई जी उल्टा करते हैं आर प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, तो जी कितना हम लिख सकते हैं जी एच इंटू जी एच इंटू आर प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर। इसको फिर से मैंने अगर आगे किया तो आर अपॉन इसको लिख सकता हूं आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, ये खाली देखो ये आपको याद नहीं रखना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला उधर दिया है वही करना, लेकिन दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर। तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी मेरे को जी का वैल्यू निकालना है, जी एच का वैल्यू निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा जी एच मेरा बन जाएगा, ठीक से देखो आराम से देखो फिर से देखो, इसको बोर्ड पे लिखा है पॉज करो चार चार बार उसको देखो, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, ओके बन गया, हो गया। और इसका अगर मैंने बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन देखा तो आपको उधर उधर भी सॉल्व करके दिया है तो इसका अगर बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन आपने किया तो 1 माइनस 2h अपॉन r उसका वैल्यू उधर आपको दिखने मिलेगा। तो ये कितना है ना जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, लेकिन ये कब यूज करने का है ये वेरी इंपॉर्टेंट है बराबर, ये कब यूज करने का है तो उधर उन्होंने दिया है व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, वो वहां पे दिखा है, मतलब ये आपको कहां पे यूज करना है फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर। तो आर कितना है 6400 किलोमीटर, आर कितना है, आर है अपना 6400 किलोमीटर है, तो उससे अगर बहुत कम है मतलब नियर नियर ऑन द अर्थ सरफेस अगर है तो हम ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करेंगे, अगर वो वेरी स्मॉल है, इफ इट इज वेरी स्मॉल अगर बहुत छोटा है तो ये हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना है कि जी का वैल्यू कौन सा कहाँ यूज करना है, वो तो ये वैल्यू ओनली फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर को ही यूज करना है, जब आपका हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर लाइक दैट, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले आपने फॉर्मूला लिखा जी ऑन अर्थ सरफेस लिखा, बाद में लिखा जी एच एच लिखा, तो अगर आपका एच वेरी वेरी लेस देन आर नहीं है, इफ योर एच इज नॉट वेरी वेरी लेस देन आर देन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो ये दोनों भी एट राइट एच है, मतलब ये ऑन सरफेस, ये भी एट राइट एच, ये भी एट एटीट्यूड है, लेकिन ये यूज कब करना है अगर आपका एच आर से बहुत छोटा नहीं तो आप यूज करना, अगर आपका एच आर से, क्योंकि यहां पर देखो अगर आपने एच इज इक्वल टू आर लिखा, एच इज इक्वल टू आर लिखा तो कितना बन जाएगा 2R अपॉन R, R R कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 1 आ गया, तो
तो ये माइनस आ गया, नहीं यार तो ये जीरो कब आएगा, देखो जीरो कब आएगा, टू एच, मतलब एच इज इक्वल टू आर बाई टू, मतलब आपको कहाँ तक उसको देखना है, अगर एच इज इक्वल टू आर बाई टू मिल गया तो वो वेरी वेरी लेस देन आर नहीं बन सकता, मतलब 3600 किलोमीटर इतना हाइट है आपका एच, तो ये बन गया आर बाई टू ना, तो टू एच बन गया आर, तो आर आपको वन बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो बन जाएगा, अरे गेटिंग ए पॉइंट, तो ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे आपका एच वेरी वेरी लेस देन आर है वहीं पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला। सो अभी हमने देखा वैल्यू ऑफ जी एट विथ अल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड एज वी गो अप वैल्यू ऑफ जी ऑलवेज डिक्रीज होती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होता, एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सर्फेस वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, देर इज वन पॉइंट एट विच से वी कैन से दैट देर इज नो ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एंड वी कैन से दैट दैट पॉइंट टू बी ग्रेविटी फ्री स्पेस, उसमें ग्रेविटी चलती नहीं, आपको भी मालूम है सैटेलाइट में वगैरह ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ पर वो सब फ्लोट करके ऐसा सब ये करते अपना काम करते फ्लोट करके, तो ये अल्टीट्यूड का हो गया वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। अभी बच्चों क्या करना है, अभी लिखना है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, तो पहले आपको बताया था क्या आपने अगर ये फॉर्मूला वगैरह देखा तो आप बोल सकते हो सर ये इंफाइनाइट है तो ये आते बोलते हैं ऐसा नहीं है, जितना आप नीचे नीचे भी जाओगे वैल्यू ऑफ जी इतना ही कम ही होते जाएगा, वैल्यू ऑफ जी आपका कम होते जाएगा बढ़ेगा, ओके। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया सर सरफेस ऑफ द, ये बन गया पूरा आर, और ये इसको मैं दिखाता हूँ डेप्थ, इसको बोलता हूँ डेप्थ डी, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, इसको बोलता हूँ डी, तो अभी ये पॉइंट में कितना होगा, तो जी कितना लिखेंगे, जी लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वैसे लिखेंगे और जी डी बोलते हैं एट डेप्थ, वो कितना आएगा जी एम अपॉन, अभी आर नहीं लिखेंगे इसको, कम है आर से कितना कम है आर माइनस डी ब्रैकेट्स में, वैसे ही करेंगे अभी जी अपॉन जी डी करते हैं तो कितना आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर आर माइनस डी स्क्वायर अपॉन जी एम, सेम थिंग, इसको इसने काटा तो अभी जी कितना बन गया जी अपॉन जी डी, ये बन गया आर माइनस डी अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको भी मैंने फिर से किया जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकता हूँ आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ब्रैकेट वन माइनस डी अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, तो जी डी कितना बन जाएगा जी डी को इधर लिखता हूँ और इसको उल्टा लिख देता हूँ इधर, तो ये बन जाएगा जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर टू द पावर माइनस टू, इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो मेरा जी डी मिल जाएगा जी, और आपको उधर आपके मॉड्यूल में भी है आपको आप उसको देखो पेज नंबर 8 पे देखो पीडीएफ का, हाँ तो वो कितना बन जाएगा वो उधर आपको सब दिया है, आपको उसमें ए ए करके दिया है वन माइनस डी अपॉन आर, तो वो वैल्यू आपको लिखना है वन माइनस डी अपॉन आर, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वो वही कुछ नहीं है, यही आपको फॉर्मूला आपको हरदम यूज करना, तो यहाँ पे देखो अगर डेप्थ मेरा आर जितना बन गया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ नहीं आर जितना तो आर तो वन आर अपन आर वन बन जाएगा वन माइनस वन जीरो बन जाएगा तो ये जी डी बन जाएगा जीरो, समझ गए, सो दैट वॉज द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, तो हमने सीखा वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, सेकंड सीखा हमने वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, हमने सीखा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, अभी हम आगे जाते हैं थोड़ा सा और भी पोल है और इक्वेटर,
तो कहाँ पे क्या होता है वो भी मैंने आपको 11 में पढ़ा है, पोर और इक्वेटर का करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द लेक्चर. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी यू मे आस्क मी, नो प्रॉब्लम. ओके इसको हो गया बेटा. ओके अभी हम लिखते हैं जी एट पोल एंड इक्वेटर. तो ये हम लिखते हैं जी एट पोल एंड इक्वेटर. वैल्यू ऑफ जी एट पोल एंड इक्वेटर. तो पहला क्वेश्चन है अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है. तो अर्थ का एक्चुअल शेप है स्फेरिकल लेकिन एप्पल जैसा. तो एक्चुअल अर्थ जो है वो एक्चुअली ऐसी स्फेरिकल होनी चाहिए हम जो सोच रहे हैं कैसे, लेकिन क्या है असल में ये जो स्फीयर है अर्थ ऐसी नहीं नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है पोल के बीच में. तो एक्चुअल असल में अपना अर्थ है उसका शेप कुछ ऐसा है, इतना ही है या आपको एक्चुअली डिफरेंस दिखाने के लिए दिखा, समझ गए कैसा है. तो मतलब अपना मतलब क्या है, अर्थ देखने में आप अगर बोल रहे हो उसको स्फेरिकल नहीं है पूरा, थोड़ा वो पोल में थोड़ा सा उसका रेडियस कम है, उसको बोलते हैं पोलर रेडियस एंड इसको बोलते हैं इक्विटर रेडियस. तो क्या होता है अगर मैंने ये देखा तो इलिप्टिकल दिखेगा. तो अगर इसको लिखा तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा इक्वेटर, ये बन जाएगा पोल और ये बन जाएगा इक्वेटर. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये डिस्टेंस है RP. तो RP को क्या बोलेंगे, पोलर रेडियस. और इसको हम बोलते हैं RE. तो RE का क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल रेडियस. तो अभी कैसे लिखेगा, G एट पोल कितना बन जाएगा, जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर. और अगर हमें चाहिए जी एट इक्वेटर वो बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन अगर आपने ठीक से देखा बट आर पी इज लेस देन आर ई. तो यहां से अगर देखा आपने जी पी अपॉन जी ई अगर आपने देखा कितना आएगा, RE upon RP brackets के. तो G कैसा है, inversely proportional to R. तो RP less than RE, therefore GP is always greater than GE. Polar radius कम है इससे equator radius से, so जो कम है उसको okay. So value of G is मैक्सिमम. ओके आपको वो पेज नंबर वहाँ पे दिखाया है, आई थिंक वहाँ पे दिखा है यहाँ पे आपका. हाँ आपको मैं बोलता हूँ मॉड्यूल में आपको पेज नंबर 9 हाँ और 10 इसमें देखा देखना होगा. ओके वहाँ पे वो दिया है. ओके और जो दो बच्चे हैं वो मैं कल आपको इसके बाद सिखाऊँ. तो ये पूरा करते हैं पहले इसको, इसके बाद में लिखते. मैं क्या बोल रहा था आपको, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर. मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, उसको देख लो 2-3 बार, उसको पॉज करो पहले, उसको नोट डाउन करो, फिर से वीडियो देखो, पॉज करने के लिए टाइम. सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडे. तो टुडे वी हैव सीन सम प्रॉब्लम्स ऑन फोर्स
between the two, three particles or combination of particles at center of the square, at the triangle, at the corners of the triangle and all. उसके बाद में हमने जी का पूरा स्मॉल जी का पूरा आज स्टडी किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव स्टडीड. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट इन द लेक्चर. पॉज इट, नोट डाउन योर नोट्स, कंप्लीट योर नोट्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विद फिजिक्स. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू. बाय बाय.